एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या हो गया? रुक तो जाओ, जब गो बोलूंगा तब। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप मुझे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं। तो अज़हर अली के मामले पर मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें। तो अगर मेरे नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे ऑल पे सिलेक्ट कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। कुछ दिनों से खबर गर्दिश कर रही है कि अज़हर अली को कप्तानी से हटा दिया जाएगा। आदमी है, वो एक होटल में था, तो वहाँ पर उसने खाना खाने के बाद वेटर को $5 टिप के तौर पर दिए। वो वेटर ये रकम वसूल करते हुए ना खुश था, तो बिल गेट्स ने इसकी वजह पूछी तो कहने लगा कि यहाँ पर आपकी बेटी आई थी और उसने टिप के तौर पर $500 दिया और आप $5 दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है? तो बिल गेट्स मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि मेरी बेटी दुनिया के अमीर तरीन आदमी की बेटी है और मैं लकड़ी काटने वाले का बेटा हूँ। मतलब कि इंसान को अपनी औकात और आम लफ्ज़ों में अपना जो माजी है कभी नहीं भूलना चाहिए। फिलहाल इस खबर में कोई सदाकत नहीं है कि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान को बरतरफ किया जाएगा। दरअसल बात तो ये है कि अगर 8 मैचों की बुनियाद पर हटाया गया तो ये सरासर ज्यादती होगी जी, क्योंकि अज़हर अली ने बहसियत कप्तान 1 साल में 2 सेंचुरियां स्कोर की और 36 की औसत से बहुत सारे रन जोड़े, जिनकी वजह से वो कामयाब भी करार पाए हैं। उनकी ये परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं आया, लेकिन अगर पीसीबी अज़हर अली को कप्तानी से हटाता है तो इसकी वजह अज़हर अली, हफीज़ और मिस्बा की वज़ीर आज़म से हुई मुलाकात होगी। हाँ जी, कुछ समझा? नहीं। पीसीबी पहले ही नाखुश था कि ये तीनों क्रिकेटर वज़ीर आज़म के पास डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में डिपार्टमेंट का किरदार बातें क्यों समझाने गए थे। आप मछली का शिकार किया और उड़ना शुरू कर दिया, अब वो मछली इसका पेट फाड़ कर बाहर निकल रही है, अब वो हमेशा के लिए ज़मीन पर आ रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि रिज़क की तलाश में इतनी जल्दबाजी ना करें और ऐसे रास्ते ना अपनाएं कि बाद में उसका हदिया आपको अपनी जान से चुकाना पड़े। तो इन सब अमलों का नतीजा ये हुआ कि मिस्बा से एक ओहदा और अज़हर अली से कप्तानी लेने का इम्कान और हफीज का मुस्तकबिल। आप तो ऐसे ही कहेंगे ना, अगर अज़हर अली को पीसीबी हटाता है तो क्या पाकिस्तान टीम के लिए ये दुरुस्त फैसला होगा, और अगला टेस्ट कप्तान कौन होगा? सिर्फ कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ने कहा।